ये बेसिकली लगातार सूचना मिल रही थी कि एपी रोड की तरफ से ट्रक अवैध शराब का परिवहन करते हैं, सूचना पर लंबे समय से काम कर रहे थे और इस पर कल एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, तो उसको वेरीफाई करने के लिए टीम लगाई गई थी। तो गोलचरा राहुल के पास एक ट्रक को रोका गया जो महाराष्ट्र MH नंबर का था, जिस तरह मुखबिर ने जो बताया था। और जब उसको तलाशी ली गई तो जो प्याज के बोरे भरे हुए थे बाहर की तरफ, जब उसको फिर अंदर से और वेरीफाई किया गया तो अंदर से वो शराब भारी मात्रा में शराब पाई गई। तो कुल मिलाकर जब काउंट किया गया तो वो अवैध शराब 720 पेटी है जो विदेशी शराब है, उसकी कीमत लगभग 19 लाख है। और जो आरोपी का नाम है आशिक मंसूरी है जो कि अंजड़ का बड़वानी का रहने वाला है, जब उससे पूछताछ की कहाँ से लेके आया तो उसका ये कह रहा था कि मैं ड्राइवर चेंज हो गया था, मैं अंजड़ से ही इसको चला कर ला रहा हूँ। संभवतः चूंकि उसमें जो सील लगी हुई है, जो उसमें जो वेरीफाई करने पर वो बड़वा डिस्टिलरी की प्रतीत होती है जिसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। और जो ड्राइवर ने पूछताछ में बताया है कि शराब को भोपाल ले जा रहा था, संभवतः इंदौर या भोपाल कोई शराब कारोबारी का भी इसमें हाथ हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वेरीफिकेशन किया जा रहा है, आरोपी को हिरासत में लेकर और पूछताछ की जा रही है। थाना राहुल में अपराध चौकी एक्साइज एक्ट का कायम हो गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा इसकी सब जो किस किस से इसके द्वारा बात हुई, सभी जो कॉल डिटेल्स का उसका एनालिसिस किया जाकर अग्रिम वेदन का भी सुनिश्चित किया।